नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry.
उन लोगों को अंदर गए हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गया है। थोड़ा चुप रहोगे क्या तुम? माल को बैग के साथ पकड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, उनको उठाने दो, उसके बाद जाते हैं। मेरी उस फ्रेंड का भाई याद है ना तुम्हें? सरा संभल कर। उसके लिए पहले हमें अंदर जाना होगा, यहाँ बैठे रहने से कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? तो इन लोगों को जानता नहीं है क्या? सबसे पहले वो लोग घर के अंदर एंट्री करते ही सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देंगे। बिकॉज लाइफ कैन मेस विद योर हाई। वो घर उनके दोस्त का होगा तो उसको कॉल करके उससे कहेंगे रूम पे मत आना। देन कम्स द अलिबाई। घर पे डाउट ना है इसीलिए वो लोग कहानी बनाएंगे। दिल क्लियर द सिस्टम्स। नशे में कोई बेहिसाब खुश होता है तो किसी को बेहिसाब गुस्सा आता है, इसीलिए घर में जो भी खतरनाक सामान है उसे बांध कर साइड में रख देंगे। फाइनली द पाउडर। ऑन एन एवरेज कोई भी नशेड़ी 20 मिनट लेता है, विच मीन्स इट्स टाइम। पार्टी ओवर गाइस। मेरा नाम है आर्यन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तमिलनाडु। ये मेरे बैचमेट्स हैं सत्या एंड वरुण। तमिलनाडु में पिछले 5 सालों से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन लगभग 60% इंक्रीज हुआ, विच इज क्वाइट अलार्मिंग। पिछले साल सिर्फ ओवरडोज से 300 लोग मारे गए। इसके अलावा ड्रग्स के इन्फ्लुएंस से हुए क्राइम्स 400 से भी ज्यादा। एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट अंडर आवर नोजेस। ये देखो, ग्रुप स्टडी के नाम पर साथ में पढ़ने वाली लड़की के साथ रेप हुआ है। इसे सेक्सुअल क्राइम की नजर से देखा जा रहा है, लेकिन ये हादसा होने के सिर्फ आधे घंटे पहले पाउडर कंज्यूम किया गया था। हु नोस, अगर वो डोज नहीं लिया जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता, पर कोई इसे उस एंगल से देख ही नहीं रहा। दिस इंक्लूड्स कोकेन, हेरोइन, मेथ, वीड एंड एलएसडी। ये हमारी टीम के हेड है मिस्टर सेल्वम, नो नॉनसेंस पर्सन पर बहुत गुस्से वाले हैं। इनके गाइडेंस में पिछले 3 सालों से ऑपरेट कर रहे हैं। अब तक टेम्पररी फिक्सेस ही मिले हैं, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला। पूरे शहर का एक हेड डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको पकड़ने के लिए 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1, नया नया पाउडर यूज करने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स को उठाना। वो लोग फ्यूचर के डर से इजीली कन्फेस कर देते हैं। सर, मैंने किसके लिए लिया वो बता देता हूँ। सर सर, किसी कॉलेज स्टूडेंट के कहने पे आप डिसेंट सिटीजन को उठाकर सवाल कर रहे हैं, ये आपको सही लग रहा है क्या? आई डोंट नो एनीबॉडी सर। सर, मेरे ओनर का नाम प्रिय स्वामी है, उनके बारे में आपको जो डिटेल्स चाहिए बताता हूँ सर। स्टेज 3, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स। उनका मुंह खुलवाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो पकड़ में आते ही थोड़ी देर बाद पुलिस की सपोर्ट या पॉलिटिकल पार्टी की मदद से बाहर निकल जाते हैं। अब तक हम लोगों ने स्टेज 3 को पार नहीं किया। इनकी पूंछ काटते हैं तो उतनी ही बढ़ जाती है, इनके सर को कुचलना है, दैट्स द एंड। बट द प्रॉब्लम इज, इस नेटवर्क के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसके बारे में हमारे पास एक क्लू भी नहीं है। इस नेटवर्क के पीछे कौन है मुझे अच्छी तरह पता है। अगर आप जानते हैं तो हम यहाँ बैठे क्यों हैं सर, बताइए कौन है। लेट्स मूव अहेड। नो ऑफेंस, ओके? फिलहाल उसकी आइडेंटिटी मेरे तक ही रहना सेफ है। वो बहुत पावरफुल आदमी है, हमारे डिपार्टमेंट में उसके बहुत सारे लोग हैं। इतना ही नहीं, हमें से कोई भी उसका आदमी हो सकता है। तुम्हें क्या पता, उस बड़ी मछली को पकड़ने का हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, दूसरा बिल्कुल नहीं। सो सेव योर बुलेट्स।
अभी जो मैंने तुम्हें बताया उसे अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो। किसी भी वजह से बार बार स्टेज 3 तक मत जाओ, वो अलर्ट हो जाएंगे। मुझे अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन एविडेंस स्ट्रॉन्ग करने दो, सही टाइम आएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर आप अकेले ये सब कैसे? सिर्फ उसके आदमी हो सकते हैं क्या? एक जंगल में एक शेर था, दूसरे जानवरों का वो राजा था। अगर उससे किसी ने छेड़ दिया हर किस्म के लोग इन नशीले पदार्थों के गुलाम हैं और इनका इस्तेमाल करने के लिए सबकी अपनी अपनी वजह है। वाइफ के गुजरने के बाद से मैं इसे यूज करने लगा सर, मैं जानता हूँ कि यह गलत है। इसके बिना मैं स्टडी में फोकस नहीं कर पाता हूँ सर। मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से यह लत लगी है सर और मैं अभी इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रही। सर कोई रीजन नहीं है सर, लेता हूँ तो मूड जॉली रहता है। घर पे कुछ मेहमान आए हैं। हाय। एक सप्ताह पहले उस इंसान ने इतना समझाया था, तो इसे चुपचाप बैठना चाहिए ना, ये सुनता ही नहीं है। सौम्या मैंने तुझे ठीक से काम करने के लिए कहा है, तू सुनता है क्या? यही चाहिए था ना। चल जल्दी खत्म कर और दे। ये आपके सर का भाई है दिलीप, आपकी ही उम्र का था, नालायक को ड्रग्स की लत लग गई। बाकी पेरेंट्स से ज्यादा मैंने इसको फ्रीडम देकर परवरिश की, इसलिए उसने उसे मिसयूज किया। एक दिन वो खरीदने के लिए अंबातूर के करीब एक फैक्ट्री में गया, उस वक्त पुलिस का शूटआउट चल रहा था। देखो तुम भाई बहन मिलके मेरा कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रहे हो, देखना मैं इसका बदला लूंगा तुम दोनों से। ये सब कुछ नया है क्या? रही हो चटनी दो। उससे बात हुई क्या बेटा? अभी नहीं आंटी, वो ऑलरेडी इस केस में बहुत ज्यादा बिजी है, पहले ये खत्म हो जाए। तब आपके सर भी कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब मैं उसे अक्सर पूछा करता था कि क्या बनना चाहते हो, वो हर दिन अलग ही बताता था। उसका दिमाग सेट था, किसी भी सूरत में जगह को ड्रग से फ्री करना चाहता था। एक पेरेंट की हैसियत से कह रहा हूं इसे छोड़ दो। तुम लोग जमीन पे क्यों बैठे? वहाँ सोफा है ना? क्यों नहीं रहे हो? नहीं आंटी, वेट बढ़ जाएगा। डाइटिंग वाइटिंग पर हो गया बेटा? जी आंटी। ये लो। अच्छा तुम लोग किस कॉलेज में पढ़ते हो? पापा माँ खाना खाने के लिए बुला रही है, जाइए। अच्छा मुगिलन ने फोन किया था, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, जब फ्री होगा तो मिलकर आ जाना। क्या काम है उनका? पता नहीं, मिलने के लिए बोल रहे थे, खुद ही पूछ लेना। मुगिला हमारे पड़ोसी, ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो चीज देखते हैं जो बातें सुनते हैं अगर वो उनको गलत लगे तो ही विल टेक इट हेड ऑन। उसके पीछे कौन है, कितने लोग हैं, उन्हें इसकी फिक्र नहीं है, इसीलिए उनका सोशल सर्कल बहुत छोटा है, पर उनका एनिमी सर्कल इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। कोई परिवार नहीं है, मेरी जानकारी में कोई दोस्त भी नहीं है,
लेकिन हमारे घर वालों के साथ उनका अच्छा रिलेशन है। सर हमारे कॉलेज में मत बताना सर, हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। वो तो तुम लोगों के ही हाथ में, मैं जो पूछूंगा उसका सही सही जवाब दोगे तो तुम लोग यहां से जा सकते हो, वरना पुलिस स्टेशन पास में ही है, अगर वहां जाके पूछताछ करूंगा तो तुम्हारे नाम की FIR बनेगी, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं। सर आप जो भी पूछेंगे हम बता देंगे। तुमने माल किससे खरीदा? सर हेलो इंस्पेक्टर नवीन B12 आर्यन कैसे हुआ? गनशॉट टू द हेड। नौकर ने पहले बॉडी को देखा था, कल सुबह जब वो घर पे आया तो इसी कंडीशन में बॉडी थी। कैन वी लुक अराउंड? श्योर। हाँ सिंधिल सर, बाहर कोई रिपोर्टर है क्या? हाँ सर बहुत सारे हैं, बोलने पर भी नहीं जा रहे हैं। देखो ये बहुत ही अनसेफ है, उनके सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, सो बॉडी को क्लीन करने से पहले उसको यहाँ भेजने की कोशिश करो। ठीक है? ठीक है सर। आर्यन स्टेयर्स के ऑपोजिट रूम में प्लीज चेक इट आउट, आई थिंक द किलर लेफ्ट समथिंग। या जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ का सारा काम हो गया? यस सर, हो गया। इस पार्क कुछ दिखाई दिया क्या? अभी तक तो नहीं सर। किचन में कोई ब्लड के छींटे वगैरह? नहीं सर। ओ, इंटरेस्ट स्पेस में एक बार अच्छी तरह से चेक करो। जी सर। हमारा मास्टरमाइंड था सर। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको फोन करता हूं सर। श्योर सर। कुछ पता चला? पिछले हफ्ते ही वो किसी के बारे में इंटेल गैदर कर रहे थे। किसके बारे में? नो आइडिया। ए, सुनो सर, कंप्लेन वगैरह रजिस्टर नहीं करेंगे, जब बुलाए तो आ जाना। हेलो आर्यन, नवीन हियर। बोलो नवीन। शाम में स्टेशन आ सकते हो क्या? हमारे DC कुछ ब्रीफ करना चाहते हैं। B12 में आना है? या ओके आता हूं।
अच्छा बेटी, तेरा भाई घर पे आया? हाँ माँ भैया अभी आए हैं और वो बहुत अपसेट लग रहे हैं। ओ, वो उसके बहुत क्लोज था ना? ठीक है बेटा, उसका ख्याल रखना, हम रात तक आ जाएंगे। ठीक है, बाय। हम लोग फिर से सर के घर जा रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, यू नीड इट। शाम को कब जा रहे हो? 7 o'clock। हेलो आर्यन। हाँ अंकल, पापा ने मुझे बताया, अभी घर पे आ जाओ। मैं इस वक्त घर पर नहीं हूं आर्यन, रात के 10 बजे तुम आ जाना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है अंकल, आता। नमस्ते मुगलियन सर। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। देखा जाए तो घर आए हुए मेहमान के लिए आपको यह करना चाहिए था। बात करने के मूड में नहीं लग रहे, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हिंदी में एक कहावत है पता है, लातों वाले भूत बातों से कभी नहीं मानते, यह तो आपको पता ही होगा। जिसको जिस भाषा में समझ आए उस आदमी को उसी की भाषा में समझाना चाहिए। मेरे बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में किसी से पूछताछ मत करो। मैंने पिछली बार आपको इस बारे में नहीं बताया था, फिर भी आपने आर्यन को सारी बातें बता दी। इसीलिए पिछली बार तो मैंने उस भाषा में समझाया था, अब मैं अपनी भाषा में बात करूंगा। I hope that you better understand. Sir, they are from Narcotics Bureau. This is Aryan. Hello, sir. Satya. Jagannath. Hi. Varun, sir. Hi. Right. Baitho. It's okay, sir. सेल्वम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे ऐसा नवीन बता रहा था। हाँ सर, पूरे तमिलनाडु के ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे एक मास्टरमाइंड है, उसके बारे में। तो आपको यकीन है कि उसी ने आपके सर का मर्डर किया है?
उनके रूम में जो एविडेंस था उसे डैमेज किया गया है। इसके अलावा क्या कनेक्शन चाहिए सर? पर उस आदमी के बारे में सेल्वम ने आपसे कुछ भी शेयर नहीं किया? नहीं सर, उन्होंने हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, बट उन्होंने कहा वो हमारी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, जब तक ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता है, मिस्टर नवीन हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सर। आप लोग जा सकते हैं। यस सर। सर, नॉर्मल मर्डर केस नहीं लग रहा, जरूर इसके पीछे कोई मोटिव है। वो घर पे हमेशा अकेले रहते थे क्या? एक्चुअली वो मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे। हमारे पास जो एक एविडेंस था वो भी उसने ले लिया। ठीक है, तुम जाओ, मैं बुलाता। आई नीड सम टाइम टू थिंक। श्योर। या नवीन, मैंने सुना आर्यन। एक्चुअली मैं 2 दिन का ब्रेक लेना चाहता हूं। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। इस नेटवर्क के पीछे कौन है मुझे अच्छी तरह पता है। रात के 10 बजे आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस नेटवर्क के पीछे कौन है मुझे अच्छी तरह पता है। वो बहुत पावरफुल है, डिपार्टमेंट में उसके बहुत सारे लोग हैं। ए अब उठना, अब उठ भी जाना। ए पोगो गुम हो गया, रात को बांध के नहीं रखा क्या? मैंने सोचा कि पापा संभालेंगे, दोनों कंपाउंड में ढूंढ लिया लेकिन नहीं है। अंकल यहां। hey. क्या अंकल, शर्लॉक होम्स बहुत देखते हैं क्या? ऐसा नहीं आर्यन, बस यूं ही सेफ्टी के लिए मैंने उसकी बेल्ट में एक चीप लगा रखी है। अगर ये अचानक कहीं गायब हो गया तो आसानी से पता लगाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी बदलना चाहिए ना। We'll be right back.
दिवाकर, दिवाकर कुमरन, वो इस शहर का वीआईपी पर्सन है। लोगों की नजर में वो एक साधारण आदमी है। सोसाइटी में दिवाकर का बहुत नाम और पहुंच भी है। इनफैक्ट ही इज रियल चार्मर। ही ओन्स ए कंपनी कॉल्ड डीके सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। इसकी शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी और आज बहुत बड़ी चेन बन गई है। बट यह कंपनी यहां तक कैसे पहुंची और उसके लिए पैसे कहां से आए, यह किसी को नहीं पता। यह सब कुछ एक नकाब के पीछे छुपा हुआ है। बिकॉज ही इज ए पार्ट ऑफ सिंडिकेट वर्ल्ड द डैम। दिवाकर्स प्राइम सोर्स ऑफ इनकम इज फ्रॉम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इस पूरे राज्य में दिवाकर के लिए टॉप ऑफ फाइंड सर्कल है। ऑलमोस्ट सारे चेक पोस्ट पर उसके आदमी रहते हैं। जो गाड़ी आ रही है वो दिवाकर की है, ये पता चलते ही उसे कोई चेक नहीं करता है और वो आराम से निकल जाती है। वो अपना पूरा बिजनेस सिर्फ रोड के जरिए ही नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते पूरे विश्व में करता है। दिवाकर के मेजॉरिटी ऑपरेशंस को उसका भाई रुद्रा संभालता है। दिवाकर तो कई विदेशी कॉर्पोरेट से लिंक है। यहां के बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसके कंट्रोल में काम कर रहे हैं। जिन नेताओं के दामन गंदे हैं उन्हें और गंदा रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दिवाकर के एक्टिविटीज को एक्सपोज करने के लिए नारकोटिक्स ब्यूरो चेन्नई जोनल हेड मिस्टर सेल्वम मुझसे हेल्प मांगने आए थे। उन्होंने अपने सिस्टम ऑफ ऑपरेशन के बारे में मुझे साफ साफ एक्सप्लेन किया। दिवाकर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग क्लू मिलने तक हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यह मैं किसी से शेयर ना करूं, ऐसा उन्होंने कहा था। क्योंकि जब उसके दूसरे चेहरे के बारे में लोगों को पता चलेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शहर के बाहर दिवाकर का एक वेयर हाउस है, उसे ऑब्जर्व करने के लिए मैं और सेल्वम जुलाई के 30 तारीख को हम लोग वहां चुपके से गए थे। हम जिस दिन गए थे वहां बहुत बड़ा असाइनमेंट डील हो रहा था और उस वेयर हाउस में बहुत सारे लोग मौजूद थे। उस वेयर हाउस के अंदर घुसना इतना आसान नहीं था। लेकिन ना जाने कैसे दिवाकर को पता चल गया और हादसे के दो दिन बाद वो सेल्वम को खरीदने के लिए उसके घर पर आ गया। उसके साथ एक और आदमी था। जब हमने उसके बारे में पूछा तो उसने उसे अपना बॉडीगार्ड बताया। दिवाकर जो चाह रहा था उसे सेल्वम ने नहीं माना और कुछ समय के बाद बातचीत बहुत आगे बढ़ गई। दिवाकर मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल गया। यह जानना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सेल्वम के साथ हुआ था वो मेरे साथ कभी भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता मेरे पास ज्यादा समय है। तुम पर मुझे पूरा विश्वास है, इसीलिए लगा कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं आर्यन। मुझे विश्वास था कि तुम सब ठीक कर दोगे। नमस्ते मुगिलन सर।
तू जैसा सोच रहा है मुझे नहीं लगता कि तू अपने ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा। फिलहाल हमारे पास हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन है, हम सीधे जाकर दिवाकर को पकड़ सके ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। जो मुगलन सर ने कहा है वो सच है तो इस साजिश में कई लोग शामिल हैं, इंक्लूडिंग नवीन। सो व्हाट डू यू हैव इन माइंड? हम लोग उस दिन जो वेयर हाउस गए थे उसका एग्जैक्ट मैप कोड मैंने इसमें अटैच किया है। मैं जानता हूं तुम इसे जल्दी देखोगे। टर्न राइट एंड गो स्ट्रेट। टर्न लेफ्ट। कीप ट्रैवलिंग इन NH48 फॉर 25 किलोमीटर्स। Have arrived at your destination. बोलिए पापा। बॉडी घर पर आ गई है बेटा, शाम को संस्कार है। ठीक है आता। कुछ दिनों के लिए पोरुर में जो पुराना घर है वहां जाकर रही है। क्यों? मुझे और मेरी टीम को कुछ जरूरी काम है, थोड़ा स्पेस चाहिए। अचानक ऐसा क्यों? बताता हूं, आज रात को ही निकल जाइए, थोड़ा चेंज मिलेगा। हमें क्यों भगा रहा है बेटा? पूरा घर वैसा का वैसा पड़ा है, साफ सफाई करके कल चले जाएंगे ना। मेरी बात समझो मां। अरे ये कल से सोई नहीं है, एक दिन आराम तो कर लेने दे। हम क्रेमेटोरियम से निकल चुके हैं, तुम और वरुण सीधे घर पे आ जाओ। जैसा मुगिलन सर ने कहा था, अगर दिवाकर के अगेंस्ट कुछ प्रूफ करना है तो उसका एक ही रास्ता है, दिवाकर के एक आदमी को उठाकर उसी के मुंह से कन्फेस करवाना होगा। तुमने कितनी आसानी से कह दिया, आज हमने भी एक बैकग्राउंड चेक किया। दिवाकर के पास पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। हम क्यों जाएंगे, उसे यहां लेकर आएंगे। डॉक्यूमेंट में जो वेयरहाउस मुगिलन सर ने मेंशन किया है, आज मैं वहां गया था, वो बहुत ही क्राउडेड एरिया के बीच में है। इनफैक्ट इट्स अ रेसिडेंशियल एरिया। द वेयरहाउस इज जस्ट हाइडिंग इन प्लेन साइट। मैंने जितना ऑब्जर्व किया अंदर 10-15 लोग होंगे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे। अगर दिवाकर को इतना बता दूं कि ही इज बीइंग वॉच्ड तो भी हमारे लिए काफी है। कैसे? और कैसे, बंदूक और गोलियों से बात करने वाले के साथ उसी की भाषा में बात करेंगे। ये सब तो ठीक है, पर एक नॉर्मल वेयरहाउस में दिवाकर का खास आदमी कौन हो सकता है? एक दो गुंडे हो सकते हैं, उन्हें पकड़कर हम क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, अभी हम वहां जा रहे हैं विद गन्स ब्लेजिंग। कोई हाथ आया तो सवाल करेंगे, वरना सबको भगा देंगे। ऑटोमेटिकली खबर दिवाकर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद? वन स्टेप एट अ टाइम, इंस्ट्रक्शंस देते जाऊंगा, जस्ट इंप्रोवाइज।
सत्या पोजीशन चेक। तुमने जा कहा था वहीं पर हूं। वरुण इन पोजीशन। ओके मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे जो भी हो जाए तुम जिस जगह पर खड़े हो वहां से हिलना नहीं है। ओके पहले मैं बुलेट फायर करूंगा, उसके एग्जैक्ट 5 सेकंड्स के बाद सत्या तुम फायर करोगी। सत्या के फायर करते ही 5 सेकंड के बाद वरुण तू फायर कर। ओके याद रहे सिर्फ ट्रक और बिल्डिंग पर गोली चलाओ, नो डेथ्स। हमें कोई मारने आएगा तब भी हमें ट्रक्स और बिल्डिंग्स में ही गोली चलानी है क्या? अगर तेरे सामने कोई आ जाए तो तुझे जो करना है कर ले। थैंक यू। ओके दैट हेल्प्स। जो गए हैं वापस आ सकते हैं। स्टे शार्प। आर्यन पैरामीटर हम सर्च करके आते हैं। बिल्डिंग के राइट साइड में कोई नहीं है। लेफ्ट साइड ऑफ द बिल्डिंग इज क्लियर।
कोई भी हाथ नहीं लगा, सब भाग गए। अच्छा हुआ, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्या है? मैं थक गया हूँ, चलो चलते हैं। हेलो, चलो। सुन, रात को कितने बजे आया था? थोड़ा लेट हो गया था। कल कह रहा था ना कि कुछ जरूरी काम है, सब कुछ ठीक से हो गया ना? ओ यस। ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं, आकर डोर लॉक कर ले, चल। ए, उठ बे। अगर शादी हो गई होती तो यहाँ सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तो बता दो कि आगे का क्या प्लान है। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। What? मैं कुछ समझी नहीं आर्यन। अभी 7 बज रहे हैं। हमारे हमले की खबर दिवाकर तक पहुंच गई होगी। अगर हाँ बोलोगे तो मुझसे जो बेनिफिट मिलता है मिलता ही रहेगा, अगर ना बोला तो तुम भी नहीं रहोगे। सर, वेयरहाउस पर अटैक हुआ है। हमारे आदमियों के पास वेपन्स नहीं है? नहीं सर, हमारे ऊपर कौन अटैक कर सकता है, इसलिए गलत फहमी में ऐसा ही होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान ही पहुंचाता है। दिवाकर के खिलाफ कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं होगा ये वो जानता है, इसलिए पहले वो उस आइडिया को रूल आउट करेगा। पुलिस वालों को पैसे कम मिल रहे होंगे इसलिए उसका तो सवाल ही नहीं है, मामला कुछ और है। मुगलन की फाइल में एक और खास डिटेल है। उस दिन वो और सेल्वम वहां सिर्फ झांक कर गए थे, उन्होंने कोई एक्शन तो नहीं ली थी। तो दिवाकर को उनके बारे में पता कैसे चला? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कभी कभी सिंपल आंसर ही करेक्ट आंसर होता है। सिक्योरिटी कैमरे के जरिए? एग्जैक्टली। लेकिन गाड़ी से तो सिर्फ मुगिलन उतरा था ना, तो फिर कैसे? दिवाकर किसके घर पे गया था? सेल्वम के घर पर। और स्पॉट पे जो गाड़ी गई थी? सेल्वम की थी। गाड़ी के नंबर को ट्रैक किया गया था। लेकिन हम तो गाड़ी में नहीं गए हैं। इसीलिए दोपहर को वॉच करने के लिए मैं पापा की 2-व्हीलर लेकर गया, उसे ट्रैक करेंगे तो यहीं आएंगे। रात में उसे खत्म कर दे। बहुत शरीफ है ना, अंधेरे में काम करता है, तो पक्का आज रात हमें खत्म करने के लिए उसके सो कॉल्ड बॉडीगार्ड को भेजेगा। जितनी मछली आएगी उसे आराम से खाएंगे। ये ऑपरेशन पूरा होने तक सिर्फ हम तीनों साथ रहेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सत्या, एनीथिंग? नो। वरुण? ओके,
स्टेशन। सत्या? हाँ सर। आर्यन एक घर की तरफ जा रहा है। आई हैव अ क्लियर शॉट। हाथ में कोई वेपन्स है? नॉट श्योर। मैडम, किसी ने मुझे ये देकर इस घर में डालने के लिए भेजा है। मुझे और कुछ नहीं पता है। आर्यन बाहर आओ। ए, चल जा। डियर आर्यन, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। और शुड आई से लॉसेस? वो लोग भी तुम्हारे जैसे ही हैं, बेवजह मुझे परेशान करते थे। लेट मी टेल यू व्हाट आई एम डूइंग नाउ। आई एम हैविंग वेल कुक्ड स्टेक और यहां म्यूजिक के मजे ले रहा हूं। सिम्फनी नंबर 7, इट्स सच अ ब्यूटी। जाल अच्छा बिछाया था कि मैं उसमें फंस जाऊं। स्मार्ट मूव। ऐसा कहा जाता है कि दुश्मन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जरूरी होता है, इसीलिए मैंने एक सेकंड के लिए तुम्हारे व्यू से सोचा। अब जबकि जंग का ऐलान हो चुका है, मैं अपने पेरेंट्स को घर पर रखूंगा क्या? नो वे। अब अगर तू मेरी व्यू से सोचेगा तो इस वक्त मैंने क्या किया होगा समझ गया होगा। मेक इट फास्ट आर्यन, यू हैव अ टिकिंग क्लॉक ऑन योर टेल। कोई माँ पापा को फॉलो कर रहा था। मेक इट फास्ट आर्यन, यू हैव अ टिकिंग क्लॉक ऑन योर टेल। पापा, माँ, सौम्या, माँ, पापा, बाहर जाकर पूछो किसी ने कुछ देखा। आई एम आर्यन फ्रॉम द नारकोटिक्स ब्यूरो। यस सर। मुझे इमीडिएटली 3 मोबाइल नंबर्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। बोलिए सर। कुछ पता चला? नो, मैंने हर जगह पूछ लिया है। सबसे बड़ी बात है कि वो तीनों यहां आए थे, किसी को पता ही नहीं है।
सर आपके दिए हुए तीनों नंबर स्विच्ड ऑफ हैं, स्पॉट पता नहीं लग रहा है। ओके, बट कीप एन आई ऑन दिस। नेटवर्क मिलते ही मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना। इस नंबर से कॉल जाने की जरूरत नहीं है सर, स्विच ऑन होते ही सिम कार्ड के जरिए ट्रैक कर लेंगे और उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू। कुछ पता चला? आर्यन, आर्यन, स्टे काम, उन लोगों को कुछ नहीं होगा। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक मैं सोच रहा था कि तू घर पहुंच जाएगा। कोई बात नहीं, तू सही जा रहा है। मेरी फैमिली कहाँ है? ये सवाल अभी गलत है आर्यन। सवाल कहाँ आना है ये होना चाहिए था। तेरा माल अगर मैंने तुझे लौटा दिया तो उन्हें छोड़ देगा क्या? पहले लेकर आ, फिर सोचते हैं। कहाँ है? तूने माल जहां से उठाया था वहीं पर। तेरी फैमिली भी वही है, जो लेकर गया वापस करके उन्हें लेकर जा। एंड प्लीज डोंट ट्राई एनीथिंग हीरोइक। तू कुछ नहीं कर सकता। बाय फॉर नाउ। क्या कहा उसने? जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया। वेयरहाउस आने के लिए कह रहा है। ज्यादा मत सोचो, चलो। माल हाथ लगने तक मेरे पापा माँ और बहन को कुछ नहीं करेगा, बट माल हाथ लगते ही या तो वो उन्हें या फिर हमें छोड़ेगा नहीं। आर्यन हमारी जगह आने वाला है, उसके साथ 6-7 लोग होंगे, उसकी फैमिली और काफी लोग हमारे बारे में जान गए हैं। और जो हमारे बारे में जान जाता है उसका हम क्या करते हैं पता है ना? अब बस एक ही रास्ता है, सुबह होने से पहले उसे पकड़ना होगा। Dead or alive? ये बहुत ही मुश्किल काम होगा, पर कोई चारा नहीं है। First, उन लोगों को वेयरहाउस में ही रखा है, ये कंफर्म करना है। मेरी एक हेल्प करोगे? कंप्लेन दर्ज नहीं कर रहा हूं, जब बुलाऊं तो आना होगा। बोलिए सर। मैं जो जगह बताता हूं वहां पाउडर लेने जाओ। तुम्हारे नंबर से कनेक्टेड रहूंगा, कोई तुमसे बात करेगा तो मुझे सुनाई देगा। हैव योर ईयरफोन्स ऑन, मैं इंस्ट्रक्शंस देते रहूंगा, ठीक है? भाई, भाई, पाउडर चाहिए था। पाउडर? ये क्या तुझे किराने की दुकान लग रही है? कहां आकर क्या बात कर रहा है? चल निकल यहां से, निकल। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। तेरे डीलर का नाम बता दे, बोल उसी ने भेजा है। भाई एक्चुअली परमानंद भाई ने कहा था कि यहाँ पर आएगा तो मिल जाएगा तेरे को। कौन सा परमानंद? जो क्रिश कॉलेज के पास पुड़िया बेचते हैं। अच्छा वो क्या? उसके मुंह पे गोली मारेंगे तभी वो सुधरेगा। किसी भी राह चलते लोगों को बताता रहता है। तो तुम लोग हमारी बिरादरी के लोग हो? हे, इन्हें अंदर भेजना रिस्की है। समझ ले। हे, ये लोग क्या कर लेंगे भाई? मत भेज, जाके फटाफट माल लेना और जल्दी से कल्टी मार जाना, समझ गया ना? हाँ भाई। अब जाओ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चल। ए, तू मेरी बात कभी नहीं मानता है। ए भाई, रुक जाओ। हाथ में फोन है क्या? जरा इधर आओ, आओ लाओ। बहुत अच्छा है, कहां से खरीदा? ऑनलाइन से भाई। इसी तरह का तलपति का फोटो लगा हुआ कवर मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना भाई। ठीक है, इसे हाथ में मत रख, जेब के अंदर रख। ठीक है भाई। ए कन्ना,
इसको पढ़ना चाहिए, पैसा लेकर जल्दी भेज दे। कंपाउंड के अंदर जाते ही वहां कोई हॉस्टेज है या नहीं ये चेक करो। अपने ही लड़के हैं, तू जा। कितने का चाहिए? 10,000 का। पैसे निकाल। रुक जा, लेकर आता हूं। हे परमानंद भाई, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? आर्यन, वी शुड मूव। मार खरीदने के लिए आए। इस जगह के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? क्या हुआ बे, रेट के बारे में बात कर रहा है क्या? अरे तेरी तो, यहाँ के बारे में इन्हें कैसे पता चला ये पूछ रहा हूँ। एक मिनट, इसने तो बताया कि तूने बताया। मैं इन्हें क्यों बताऊंगा? अपने चेहरे पर डर मत लाओ, अड़े रहो कि उसी ने बताया था। भाई आप ही ने बताया था। मैंने? हवा में तीर मत छोड़, मैंने यहाँ के बारे में कभी तुझे नहीं बताया। बोल, नशे में बताया था? नहीं भाई, पिछली बार जब मैं आपके पास पाउडर लेने के लिए आया था तब आप नशे में थे। जो हाथ में था वो सब बेचकर, अगर चाहिए तो इस एड्रेस पर आ जाना, आपने ही कहा था भाई। अरे ऐसा कब हुआ था? अबे चल बे, सब कुछ तू खुद ही लेता है क्या? ऐसा नहीं है यार। इसने पैसे दिए क्या? दे दिए। बॉस के आने का टाइम हो रहा है, चलो तुम लोग निकलो। हाँ चल, दोबारा मत आना। सर बाहर आ गए। अंदर कौन कौन था? सर आपकी मां और बहन थी सर। वहां मेरे पापा नहीं थे? नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं देखा सर। तूने देखा क्या? नहीं सर। ठीक है, तुम लोग जाओ, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ बताना मत प्लीज। ठीक है सर। ए रुक जरा, जो खरीदा वो इधर देके जा। लेके जाना चाहता था क्या? चल जा। तीनों को एक साथ रखा तो उन्हें बचाना आसान है। उसने पापा को अलग जगह रख दिया है। आर्यन, पता चला कि अभी तक तू वेयर हाउस नहीं आया? इससे भी जरूरी कोई काम है क्या? मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। मैं भगवान की तरह हूँ आर्यन, मैं दिखाई नहीं देता पर अपनी प्रेजेंस आसपास वालों को महसूस करा देता हूँ। कोई बात नहीं, एक बार दर्शन दे उतना काफी है। मैं अभी नेगोशिएट करने के मूड में नहीं हूँ आर्यन। ग्रेस पीरियड के लिए तुझे हाफ एन आवर देता हूँ, इस बीच में तू वेयर हाउस आ जा। मैंने जो कहा वो समझ में आया क्या? समझ गया। या? सर आपने जो तीनों नंबर्स दिए थे उनमें से एक अभी स्विच ऑन हुआ है और इस वक्त वो ब्लू रूबी होटल में है। हे, तूने मोबाइल क्यों ऑन किया? अरे हाथ में था ना तो स्विच दब गया इसलिए ऑन हो गया। पागल, ऑफ कर इसे। उसका नंबर क्या था? 9659232230। थैंक यू। पापा ब्लू रूबी होटल में। बुजुर्ग इंसान है इसीलिए मैंने आपका ख्याल रखा। दिवाकर भी वही है। कैसे पता तुम्हें? कांट यू सी, पापा को शील्ड की तरह यूज कर रहा है। व्हाट्स द प्लान?
होटल के अंदर मैं अकेले जाकर पापा को बचा लूंगा, उसके बाद तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। फॉरन रेड मारना, रिमेंबर दोनों जगह पर एक ही वक्त अटैक करना है, टाइमिंग मिस नहीं होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, आप जा सकते हैं। हाय, वेलकम सर। दिवाकर से मिलना है। सॉरी सर, दिवाकर कुमरन से मिलना है। दिवाकर, ओके, योर गुड नेम सर? आर्यन। जस्ट अ मिनट सर। मैं यहाँ हूँ, उसे कैसे पता चला? सॉरी सर, नो आइडिया, ही जस्ट शोड अप। अकेला आया है क्या? यस सर, क्या करना है? उसे आने के लिए कहो। आपका बेटा आ रहा है, उसे पता चल गया है कि आप वेयर हाउस में नहीं हो, इन्हें यहां से लेकर जाओ। Hey, वॉकी है ना? सर, मिस्टर दिवाकर 10th फ्लोर की पेंट हाउस में है, आप जाकर मिल सकते हैं। हे आर्यन। हाय इंस्पेक्टर नवीन, B12। रेस्टोरेंट जा रहे हो क्या? नो नो, आई एम जस्ट मीटिंग समवन। ओह मनीषा, दिस इज माई फ्रेंड आर्यन। आर्यन, दिस इज माई वाइफ मोनिशा। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, बोल रही थी कम से कम आज तो बाहर लेके चलो, इसीलिए। ओके। इसके लिए कितना कन्विंस करना पड़ा पता है आपको? ओके फाइन, कैरी ऑन। बाय। अभी हम कहीं जा रहे हैं क्या? डू यू हैव एनी प्लान? ए कुछ तो बोलो। तुम एक मिनट रुको, मैं आता हूं। ए कहां जा रहे हो? आई विल जस्ट बी बैक। ए यहीं रुको, मैं भी आता हूं। This is Aryan. Hello, sir. सत्या। सिल्वम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे ऐसा नवीन बता रहा था। क्या रे, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है जब मैं आऊं तो गेट खुला रख। चल गेट खोल।
फाइनली आ ही गए। हाँ आ गए। समवन सीम्स पिस्ड ऑफ जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मैं यहां पर हूं, किसने बताया? नार्कोटिक्स वालों में सूंघने की ताकत थोड़ी ज्यादा होती है। एंड यू आर नॉट डिफिकल्ट टू मिस। मेक सेंस। माल वापस नहीं करेगा? पहले बता पापा कहां है, उसके बाद चाहे तो शूट कर दे। आई एम नॉट गोना लाई, आई एम माइटी इंप्रेस्ड। तुम लोग जो पैसे देते हो वो तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन को नजरअंदाज करने के लिए होते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अपने भाई से फोन करके बताओ। भाई बोला इसलिए तुझसे बात कर रहा हूं, वरना मेरा डील करने का तरीका ही अलग है। आज रात आर्यन नहीं बच पाएगा तो एल्बम की डेथ और आर्यन की डेथ का इल्जाम हम पर नहीं आना चाहिए, वरना तेरी तरह पैसों के लिए काम करने वाले बहुत हैं। बोलो नवीन। सर मैं ब्लू रूबी होटल से बात कर रहा हूं। ब्लू रूबी से? हाँ सर। मैंने यहां आर्यन को देखा सर, देख के तो लग रहा था जैसे किसी प्रॉब्लम में है वो। तुम वहां क्या कर रहे हो? नहीं सर, मैं अपनी वाइफ के साथ आया था, इत्तेफाक से उसे मिल गया। अब उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सस्पिशियस थी सर। ऐसी बात है क्या? आर्यन के साथ दो लोग और रहते हैं, सत्या एंड वरुण, वो भी उनके साथ थे क्या? नो सर, ही इज अलोन। ठीक है, जो भी बात होगी उसे कल सुबह देख लेंगे। सर ऐसा नहीं है सर, उसके पीछे चार लोग। मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, चुपचाप वहां से निकल जाओ। कसम खा के कह रहा हूं तेरे पापा को कुछ नहीं हुआ है, चाहे तो खुद जाकर देख ले। तुझे विश्वास होने के बाद हम अपनी बात करेंगे, ये ठीक रहेगा? एंड आई विल गिव यू बोनस। तूने मेरे यहां से जो कंटेनर उठाया है उसे तुरंत रिलीज करने के लिए कह दे, एंड यू कैन वॉच इट लाइव। पहले मुझे अपने पापा से मिलना है। बी माई गेस्ट। जब यहां रेड हुई थी तब उसके साथ दो लोग और थे ना? हाँ सर। वो लोग वेयर हाउस के आसपास ही हैं। कर रहे हो तुम लोग? शूट आर्यन, शूट। पापा चलिए। Thank you.
पापा मेरा इंतजार मत कीजिए, जाइए। अरे जाइए। ऑल क्लियर सर, आप उन्हें बचाने के लिए आए हैं हमें पता है, वो ठीक तो है ना? थैंक गॉड, मुझे आपसे पहले इंफॉर्मेशन मिल गई थी। ये मेरा शिकार बोला था ना? जाओ। लेडीज, वरुण टू द रेस्क्यू। तभी बताना चाहिए था ना। क्या हुआ, हमारी खबर कानों तक पहुंच गई क्या? यप। दोनों जगह पर एक ही वक्त हमला होना चाहिए, टाइमिंग मिस नहीं होनी चाहिए। एंड फाइनली प्रेस और मीडिया में हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे कहो दिवाकर एक शूटआउट में इंजर होके हॉस्पिटलाइज हो गया है। अभी करनी है? आज की रात हमें एक ही मंजिल की ओर लेकर जाएगी, ऑल आउट बैटल। इन केस अगर दिवाकर बचने की कोशिश करेगा तो सबको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, तो उसके रेपुटेशन के डर से खुद को हमारे हवाले सरेंडर करना उसका एक ही ऑप्शन होगा। हमारे सिंडिकेट से मिला कोड नेम है वाइपर, जस्ट अ टाइनी इनपुट। वाइपर से भी ज्यादा जहरीले सांप बहुत सारे हैं आर्यन, मैं चाहकर भी इनसे क्विट नहीं कर सकता। व्हाट डू यू मीन? आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मुझे खत्म करके नेटवर्क कोलैप्स नहीं होगा। अब तो तूने बिल में बैठे जितने भी जहरीले सांप हैं उनको हर्ट कर दिया है। नाउ ईच वन विल कम आफ्टर यू। एक्चुअली मुझे तुझ पर बहुत तरस आ रहा है। तुझसे ऊपर के लेवल का भी कोई माफिया है? नेटवर्क को छोड़, तुझे खुद के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। एंड ट्रस्ट मी, you'll be surprised. Good luck finding them. Watch, no, no. Thank you.
गुड लक फाइंडिंग देम। नो नो, जो दिवाकर ने कहा है वो सच है, तो हमारी मुश्किल यहां से शुरू होने वाली है। जब तक इसका हल नहीं मिल जाता उसे शरीफ ही रहने दो। प्रेस में उसकी नेगेटिव इमेज मत बनाओ। ओके, डन। मे बी वी डिडंट लुक क्लोज इनफ। लगता है किसी लिंक को हम मिस कर गए। मुझे खत्म करके नेटवर्क कोलैप्स नहीं होगा। अब तो तूने बिल में बैठे जितने भी जहरीले सांप हैं उनको हर्ट कर दिया है। नाउ ईच वन विल कम आफ्टर यू। सौम्या, ए सौम्या, यह आपके सर का भाई है दिलीप, आपकी ही उम्र का था, नालायक को ड्रग्स की लत लग गई। एक दिन वो खरीदने के लिए अंबातूर के करीब एक फैक्ट्री में गया। बाकी पेरेंट्स से ज्यादा मैंने इसको फ्रीडम देकर परवरिश की, इसलिए उसने उसे मिसयूज किया। उस वक्त पुलिस का शूटआउट चल रहा था। उसकी बॉडी भी नहीं मिली। तुझे खुद के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। ट्रस्ट मी, यू विल बी सरप्राइज्ड। डियर आर्यन, एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक जंगल में एक शेर और एक लोमड़ी रहते थे। उनको जिंदगी और मौत का कोई खौफ नहीं था। अचानक एक दिन जंगल में जरूरत से ज्यादा ही चारा मिल गया। अगर उसकी जगह कोई दूसरा जानवर होता तो जिंदगी भर शिकार नहीं करते, लेकिन उस शेर और लोमड़ी के अंदर उसके बाद और शिकार करने की इच्छा हुई, लेकिन उन लोगों की लालच ने सारे सही और गलत लकीरों को मिटाकर रख दिया और समय के साथ साथ उस लोमड़ी को शेर ने मार डाला।
इस लोमड़ी और शेर की कहानी से उम्मीद है तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तेरी आइडेंटिटी अगर बाहर आ गई तो अपना इंटायर सिंडिकेट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। यू नो व्हाट टू डू। ओके, आई एम गोना मिस यू। आई मेक श्योर एवरीवन पे फॉर दिस। दुश्मन ने लोमड़ी के जाल को तो तोड़ दिया, लेकिन शेर के दहाड़ को कोई झेल नहीं सकता। तेरी दुनिया अलग है और मेरी दुनिया अलग है आर्यन। एक इंसान का हाई लेवल का नशा, पैसा और अधिकार, इस सच से तेरा सामना बहुत जल्द करवाऊंगा। तू मुझे सिर्फ दिलीप के नाम से जानता है ना, बट पीपल ओवर हियर कॉल मी डेक्स्टर, वन ऑफ द स्नेक इन द डेन, कोड नेम कोबरा। बहुत जल्द मिलते हैं ब्रदर, बहुत बहुत जल्दी। बाय।